गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 6 रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय बताएंगे। इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह को हिंदी के ओजस्वी कवि में शीर्ष स्थान है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कविता में प्रगतिवादी स्वर भी मुखांकित हैं, जिसमें इन्होंने शोषण का विरोध करते हुए मानवतावादी मूल्यों का समर्थन किया। वे हिंदी के महान कवि, श्रेष्ठ निबंधकार, विचारक एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जन्म परिचय एवं कार्य क्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के ग्राम सिमसरिया में सन 1908 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह था। इनकी अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पटना विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1934 ईस्वी में आप सरकारी नौकरी में आए तथा 1943 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक नियुक्त हुए। कुछ समय बाद आप मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए। 1952 ईस्वी में आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, जहां आप 1962 ईस्वी तक कार्यरत रहे। सन 1963 ईस्वी में आपको भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। आपके भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया। सन 1974 ईस्वी में आपका निधन हो गया। दिनकर जी की काव्य प्रतिभा जन्म जात थी। मैट्रिक में पढ़ते समय आपका प्रणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया था। इसके पश्चात सन 1928-29 में विधिवत साहित्य सृजन के क्षेत्र में पदार्पण किया। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपकी कविताओं में सोए हुए जनमानस को झकझोर दिया। मुक्तक, खंडकाव्य, महाकाव्य की रचना कर आपने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। गद्य के क्षेत्र में निबंधों और ग्रंथों की रचना कर भारतीय दर्शन, संस्कृति, कला एवं साहित्य का गंभीर विवेचन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य के भंडार को परिपूर्ण करने का सतत प्रयास आपने किया। आपकी साहित्यिक साधना को देखते हुए राष्ट्रपति महोदय ने सन 1959 में आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उर्वशी पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा आपको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रचनाएं हिंदी साहित्य में अधिकांश हिंदी साहित्य कांस में रामधारी सिंह दिनकर जैसे दिनकर का उदय एक कवि के रूप में हुआ। बाद में गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने अतुल्य सेवा की। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है काव्य ग्रंथ, जिसके काव्य ग्रंथ के आधार पर जो रचनाएं हैं उसमें रेणुका, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हूंकर, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसवती, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, सीपी और संग, नील कुसुम, नीम के पत्ते, दिल हरे को हरिनाम, धूप और धुआं, बापू आदि। दूसरी है निबंध संग्रह, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग, रेती के फूल। आलोचना ग्रंथ में शुद्ध कविता की खोज। इसके अलावा संस्कृति और दर्शन में संस्कृति के चार अध्याय, संस्कृति एकता, भारतीय संस्कृति की एकता। भाषा शैली, दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों
शब्द भी इनकी भाषा में उपलब्ध हो जाते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा के साथ साथ व्यवहारिक भाषा भी उनकी गद्य रचनाओं में उपलब्ध है। कहीं कहीं पर देशात शब्दों के साथ साथ मुहावरों का भी प्रयोग मिल जाता है। विषय के अनुरूप उनकी शैली के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। गंभीर विषय के विवेचन में उन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया, तो कवि हृदय होने पर इन्होंने गद्य रचनाओं में भावात्मक शैली भी दिखाई पड़ती है। समीक्षात्मक निबंधों में वे प्रायः आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं और कहीं कहीं जीवन के शाश्वत सत्यों को व्यक्त करने के लिए वे सुक्ति शैली का प्रयोग करते हैं। समालोचन, दिनकर जी ओज एवं क्रांति के कवि हैं, साथ ही एक प्रबुद्ध विचारक भी। विचारों को सशक्त रूप में प्रस्तुत करने वाले दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता, भारतीयता, जातीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता के स्वर उपलब्ध हैं। वस्तुतः दिनकर जी अपने नाम को सार्थक करने वाले हिंदी साहित्यकांश के सूर्य हैं। वे एक महान चिंतक, ओजस्वी कवि एवं मानवतावादी लेखक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। उनके द्वारा रचित उर्वशी एवं संस्कृति के चार अध्याय की गणना हिंदी की कालजयी कृतियों में की जाती है। तो बच्चों, ये हो गया दिनकर जी का जीवन परिचय। आज के लिए बस इतना ही।